अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बहन की कर रहे हो तू ही, होनी तक तू ही सब्सक्राइब नहीं किया, की कर रहे हो, जाओ सब्सक्राइब करो। सब मौजूद हूँ, ये पीछे आपको गाड़ियाँ जाती हुई नजर आ रही है, आप गेस करें मैं सब मौजूद हूँ। गेस कैसे करें, मैं हाईवे पे ही मौजूद हूँ। सब कमाल का टेस्ट है भाई, बहुत आला कढ़ाई है, बहुत आला। आपका भाई इधर कराची से रानीपुर आ गया है, रानीपुर में बता रहा हूँ आज तक कोई भी नहीं आया होगा फूड ब्लॉगिंग करने, आपका भाई आ गया है रानीपुर फूड ब्लॉग बनाने। ये होटल भाई हर चीज में नंबर वन निकला, ये इनका सारा एम्बियंस, मिसम की कढ़ाइयाँ, हंडियाँ, टिक्के। सर्दी इधर पड़ रही है तो अल्लाह माफ करे, 8 डिग्री सेल्सियस हो रही है इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, एमकेवी की तरफ से आपका मेज़बान मुदस्सिर ख्वाजा आपकी खिदमत में हाजिर है। तो भाई आपके भाई ने बात की थी पिछले व्लॉग में कि मैं जा रहा हूँ अंदरून सिंध फूड टूर के लिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये पीछे आपको गाड़ियाँ जाती हुई नज़र आ रही है, आप गेस करें मैं इस वक्त मौजूद हूँ। गेस कैसे करें, मैं हाईवे पर ही मौजूद हूँ इस वक्त। हम लोग मौजूद है रानीपुर में, एक नया रेस्टोरेंट खुला है मिसम भाई, बड़ा VIP कोई एम्बियंस मुझे नज़र आया है इसका, और उसकी मैंने तारीफ भी सुनी है। हम आज खाना उसका टेस्ट करने आए, 3-4 चीज़ें खाएंगे, कुछ स्पेशल खाएंगे, वीडियो में मज़ा आने वाला है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बहन की कर रहे हो तू ही, होनी तक तू ही सब्सक्राइब नहीं किया, की कर रहे हो, जाओ सब्सक्राइब करो। आपने नहीं किया, आपने कर लिए, आपने भी कर लिए, आपने नहीं किया आप करो, अभी के भी जाके सब्सक्राइब करो, गलत बात नहीं करो यार। आपका भाई इधर कराची से रानीपुर आ गया है, रानीपुर में बता रहा हूँ आज तक कोई भी नहीं आया होगा फूड ब्लॉगिंग करने, आपका भाई आ गया है रानीपुर फूड ब्लॉग बनाने। भाई ठंड बड़ी पड़ी है, ये देखो दस्ताने मैंने पहने हुए, बड़ी ख़तरनाक ठंड है, मुँह बड़ी टाइट ठंड है भाई। तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, आगे भी 3-4 वीडियोज़ आने वाली है कराची से हट के, कराची के बाहर की वीडियोज़, बड़ी वीडियोज़ टाइट होंगी, मज़ा आने वाली है। चैनल सब्सक्राइब कर दो, साथ मौजूद घंटी का बटन ज़रूर दबाना भाई, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। चलो भाई चलते ट्राई कर लिए, देखते हैं। हांडी तो बड़ी टाइट लग रही है, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे काम करते हुए? मुझे यहाँ पे 7 महीने हो गए। 7 महीने हो गए, हांडी लग रही तो टाइट है, खा के चेक करें। अलावा आपको यहाँ पे इस होटल पे काम करते हुए 7 महीने हो गए? जी बिल्कुल। और एक्सपीरियंस कितना है आपको इस चीज़ का? 12-15 साल। अच्छा, ये क्या बन रहा है? पेशावरी कढ़ाई। ये भी सही लग रही है, सही सही। तो चेक करें होटल का यहाँ पे टेस्ट कैसे है, इंशाल्लाह चेक करें और हमें कमेंट जरूर करें, इंशाल्लाह। अभी अभी फीडबैक दे देंगे आपको, सही। हजरात हमारे पास अन्य वाह माल आ चुका है, जिसमें से एक ये वाइट हांडी बोनलेस, ये बड़ी दिखने में बड़ी टेम्प्टिंग लग रही है, ये भाई खा के चेक करते हैं। इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए किसी को भी, ना खुद करना चाहिए ना किसी को करवाना चाहिए। भाई शुरू करो, शुरू करो आप। चलिए शनावर साहब स्टार्ट करें। जैन भाई तो भाई ये हांडी हांडी चेक करते हैं, इनका रोगनी नान है, बड़ा टाइट लग रहा है कोई देखने में, फुल बोनलेस हांडी है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी कमाल की हांडी है भाई, VIP बहुत आला हांडी, अच्छी सी क्रीमी क्रीमी है भाई, VIP क्रीमी हांडी।
होटल छोटे से इलाके में, होटल छोटे से इलाके में लेकिन बड़ा टेस्ट बड़ा आला है यार। रानीपुर जैसे शहर में ऐसा टेस्ट बड़ा वीआईपी है, कमाल का टेस्ट है भाई, बहुत आला। भाई अभी हम ट्राई करते हैं हंडी, तो भाई बड़ी कमाल की इनकी, बड़ी कमाल की हंडी है, तारीफ के लिए लफ्ज नहीं है मेरे पास उसकी, इसकी हंडी के लिए। बड़ी क्रीमी सॉफ्ट गली हुई, बिल्कुल गली हुई बोटी, बिल्कुल गली हुई। अब हम इनकी ट्राई करते हैं, अब हम इनकी ट्राई करते हैं पेशावरी कढ़ाई। सुभान अल्लाह भाई, ग्रेवी इतनी नहीं है, थिक थिक सी है ये कढ़ाई। पहले भाई गार्लिक नान से ट्राई करेंगे, बाद में करेंगे, पहले रोगनी नान से ट्राई करेंगे, बाद में करेंगे भाई गार्लिक नान से। हर चीज का टेस्ट आना चाहिए मेरी जान। बनने में बड़ी बड़ी टाइट लग रही थी, बड़ी टाइट कढ़ाई है। थोड़ी सी मामूली सी इसमें ग्रेवी होनी चाहिए, मामूली सी, बिल्कुल सूखी कढ़ाई है। अब भाई गार्लिक नान के साथ ट्राई करके देखते हैं, गार्लिक नान हमने खाया ही नहीं है यार। हांडी बड़ी कमाल की लगी, मजाक के अलावा मजाक से बड़ी कमाल की हांडी बनाई है। अरे भाई काले मिर्च इसमें थोड़े ज़्यादा डाले हुए इन्होंने, गला आपका सही हो जाएगा। वैसे भी सर्दी है, सर्दी में काली मिर्च खानी चाहिए गले ख़राब की वजह से। बड़ी कमाल की भाई कढ़ाई है, बहुत आला। तो भाई बड़ी अच्छी चीज़ है। अभी ये मेन का चिकन मलाई टिक्का ट्राई कर रहा हूँ यार, ये ट्राई करके देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जस्ट का टिक्का है। प्राइस भाई इनके नॉमिनल प्राइस है, चटनी में से डिप करो। प्रेजेंटेशन भाई बड़ी कमाल की है, देखे सारे खीरे साइड साइड भी लगाए गए। ओह मलाई हो रहे, मलाई भाई देखे ये घुल रहे, हाथ लगाओ और घुल रहे। ये मलाई टिक्का भाई बड़ा अच्छा है इनका भाई। मलाई टिक्के के बाद अब हम लोग ट्राई करें इनका प्लेन नॉर्मल टिक्का, रेड टिक्का मसाले वाला। वाकई भाई मलाई टिक्का और नॉर्मल टिक्के में बहुत ज्यादा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। चटनी से भी रायते के साथ भी यार थोड़ा ट्राई करना चाहिए। सही है, कुछ मसाले की कमी है, थोड़ी और मैरिनेशन हुई होती मसाला थोड़ा और होता तो सही है, लेकिन गांव के हिसाब से सही है। अब रानीपुर जैसी जगह है उस हिसाब से टेस्ट अच्छे है। हम तो भाई कराची में खाने वाले हैं, रानीपुर के हिसाब से टेस्ट अच्छे है। ओवरऑल बहुत मज़ा आया भाई, सारी चीज़ें बहुत आला थी, कमाल की चीज़ें थी। खाने के बाद बंदा नॉर्मली चाय पीते है, आज हमने बोला आज कॉफ़ी पी लेते हैं। सब ने कॉफ़ी मंगवाई है भाई, कॉफ़ी कैसी है? अली ने ब्लैक कॉफ़ी मंगवाई है, थोड़ी ज़्यादा कड़वी है, कड़वी है, विदाउट चीनी तो कड़वी तो होगी ना भाई। आपका भाई टेस्ट कर रहे कॉफ़ी कैसी है, ऊपर कोको पाउडर भी इन्होंने कॉफ़ी का पाउडर ऐसे ही डाल दिया है भरी भरी। ओए ओए बड़ी टाइट कॉफ़ी है यार, फीकी कॉफ़ी, बड़ा मज़ा दे रही है पीने में। ये
बिहाइंड द कैमरा अशोक शनावर है, बता दूं मैं आपको। सुभान अल्लाह, हल्की हल्की कड़वी, दूध का टेस्ट, और भाई कमाल की चीज है ये होटल भाई, हर चीज में नंबर वन निकला। इनकी वाइट हंडी बड़ी वीआईपी है यार, बहुत कमाल की वाइट हंडी है ये। इनका सारा एम्बियंस, प्रेजेंटेशन कमाल की, हर चीज कमाल की, A1। रानीपुर जैसी जगह में ऐसी चीज आपको मिल रही है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई ख्वातीनों ज़रात, हमने ट्राई कर ली मिसम की कढ़ाइयाँ, अंडियाँ, टिक्के, बड़ा मज़ा आया यार। इनकी क्रीमी अंडी, ओ हो, अंडी पादो पोगना भाई की क्रीमी अंडी, जैन भाई ने तारीफ की थी। मैंने बोला भाई अब मिसम पता नहीं कौन सा रेस्टोरेंट खुला है रानीपुर में, चलते चलते ट्राई करते। लेकिन भाई इनकी मखनी अंडी बड़ी कमाल की है। सर्दी इधर पड़ रही है तो अल्लाह माफ़ करे, 8 डिग्री हो रही है इस वक्त, सर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और कराची में तो सर्दी बेचारी आती है नहीं, हम गरीबों के पास एक दिन आती है, दूसरे दिन बोलती है अल्लाह हाफिज़, फिर तीसरे दिन आती है, एक दिन आती है, एक दिन छुट्टी होती है उसकी काम पे। भाई अगर आप यहाँ पे करीब रहते हो मिसम पे आके, सचल सरमस दरगाह है उसके बिल्कुल सामने, मिसम रेस्टोरेंट, वाइट चिकन हंडी ज़रूर ट्राई करना भाई। मटन भी कर सकते हो लेकिन चिकन मस्त भी रिकमेंडेड है, वो ज़रूर ट्राई करना। तो भाई इसी के साथ मुदस्सर ख्वाजा को दीजिए इजाज़त, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, आगे नई वीडियोस भी आएंगी कराची से बाहर। अल्लाह।